हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, मतलब होता है अनुवाद। हम अनुवाद करना सीखेंगे हिंदी का इंग्लिश में, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम सीखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, तो उसको आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे किस तरह से हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, जैसे आँख मत मारो, दिमाग से काम लो, मशीन चालू करो, मतलब कि जो हमारे दैनिक डेली यूज सेंटेंसेस हैं, डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस आज हम लेकर आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मिलने वाले हैं और इसका ट्रांसलेशन हम करना सीखेंगे। और उससे पहले, वीडियो पसंद आएगी अगर तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आँख मत मारो, आँख मत मारो। तो आँख मत मारो, इसका हो जाएगा मत मारो, पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे आँख की, तो हो जाएगा डू नाट विंक। विंक मतलब होता है आँख मारना, तो हो जाएगा डू नॉट विंक, आँख मत मारो। उसके बाद है दूसरा हमारा सेंटेंस है दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। अब यहाँ पर है देखिए, दिमाग से काम लो, तो यहाँ पर हो जाएगा यूज योर माइंड, यूज योर माइंड, दिमाग से काम लो, मतलब अपने दिमाग का उपयोग करो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मशीन चालू करो, मतलब कि मशीन चालू करो, मशीन को स्टार्ट करो, तो हो जाएगा स्विच ऑन द मशीन, स्विच ऑन द मशीन, मशीन को चालू करो। तो स्विच को जब ऑन करेंगे तो मशीन क्या होगी, चालू हो जाएगी, तो मशीन चालू करो हम कहेंगे स्विच ऑन द मशीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दबे पांव चलो, दबे पांव चलो, तो हो जाएगा वॉक ऑन द टिप टो, मतलब कि दबे पांव चलो, टो मतलब होता है पैर की उंगलियां, तो पैर की उंगलियों मतलब पैर की जो उंगलियां हैं उस पर चलो, तो पैर को जब लोग दबे पांव चलते हैं, मतलब धीरे धीरे चलते हैं, तो पैर की उंगलियों पर चलते हैं, तो इसका हो जाएगा वॉक ऑन टिप टो, मतलब कि दबे पांव चलो। उसके बाद देखो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसे खुद से करो, इसे खुद से करो। जैसे कोई भी काम होता है तो हम बोलते हैं कि आपको अपना काम खुद से करना चाहिए या इसे खुद से करो, तो हम बोलेंगे या हम लिखेंगे डू इट योरसेल्फ, मतलब होता है खुद से, और डू इट इसे करो, इसे खुद से करो, डू इट योरसेल्फ, इसे खुद से करो। उसके बाद देखिए अलार्म लगा दो, तो यहाँ पर अलार्म लगा दो, हम अगर वर्ड टू वर्ड इंग्लिश लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। अलार्म लगा दो, इसका हो जाएगा सेट द अलार्म, अलार्म को सेट कर दो, मतलब कि अलार्म लगा दो। तो अगर हम इस तरह से लगा दो, इस तरह से इसकी इंग्लिश लिखने जाएंगे तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, हमें बोलना पड़ेगा सेट द अलार्म लगा दो, क्योंकि उसमें सेट करना पड़ता है टाइमिंग, कितने टाइम पर हमें सेट करना है, तो उसमें सेट किया जाता है, इसलिए होता है सेट द अलार्म लगा दो। उसके बाद है डरो मत, तो हो जाएगा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना, डरना, तो डोंट बी मतलब होना, डोंट मतलब डू नॉट है, मतलब कि नहीं, डरो मत, तो हो जाएगा
डर भयभीत मत होइए, इसका इस तरह से निकल रहा है, मतलब कि हो गया डरो मत। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है काम की बात करो, काम की बात करो, तो काम की बात करो इसका हो जाएगा गेट टू द पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इससे मिलता जुलता है, ना यहाँ पर काम की इंग्लिश आई है, ना बात की इंग्लिश आई है, ना ही करने की इंग्लिश आई है, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है एकदम अलग है, जबकि सेंस यही दे रहा है। तो क्या हो जाएगा काम की बात करो मतलब कि गेट ऑन द पॉइंट, जैसे कोई बात करते करते दूसरी बातें करने लगता है तो हम बोलते हैं कि काम की बात करो, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे गेट ऑन द पॉइंट, मतलब पॉइंट पर आ जाओ, जिस बात जो बातें हो रही थी वही बात करो, काम की बातें करो, दूसरी बातें मत करो, तो जाएगा गेट टू द पॉइंट। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस है बोलो कहाँ जाना है, बोलो कहाँ जाना है, तो हो जाएगा टेल मी मुझे बताओ, टेल मतलब बताना, टेल मी मुझे बताओ वेयर टू गो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो कहाँ जाना है, टेल मी मुझे बताओ कहाँ जाना है, मतलब कि बोलो कहाँ जाना है, इसका हो जाएगा बोलो कहाँ जाना है। उसके बाद है देखिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा है अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं, तो अगले हफ्ते मिलते हैं, जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो आपस में फिर जब वो विदा होते हैं या जुदा होते हैं या कहते हैं जब जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है अब अगले हफ्ते मिलते हैं, तो अगर हमें इसको इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कहेंगे सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट मतलब होगा अगला, नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट वीक, यहाँ पर वेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतीक्षा नहीं है, अगर कहता कि इंतज़ार करिए अगले हफ्ते मिलते हैं तब होता इस तरह से, तो इस तरह से इसका हो जाएगा क्योंकि अगले हफ्ते मिलते हैं सिर्फ इतना है, तो हो जाएगा सी यू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं। तो इस तरह से आज हमने 10 सेंटेंस लिए थे, आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे, क्या आप भी ऐसे सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं डेली लाइफ में, अगर अच्छा लगा हो ये सेंटेंस आपके काम के हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से और भी वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।